देखिए आप सभी, हमने यहाँ तक कर लिया है एक्चुअली सबसे। उसके बाद में आज हम करेंगे ये जो आपके सब्जेक्ट केस वन और सब्जेक्ट केस टू का कर लिया है कंपैरेटिव। अगर वर्ड यूज़ होते हैं तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हमने पिछले क्लास में किया था, लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें कर लिया था। अब उसके आगे की बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, पॉजेसिव केस आगे आता है आपका, पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस कौन से होते हैं वो देखने जरूरी है। देखो माई क्या है, माई एक पॉजेसिव केस है। क्या है? पॉजेसिव केस। अवर भी क्या है? पॉजेसिव केस है। योर भी क्या है? पॉजेसिव केस है। हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या है? पॉजिटिव केस है। ठीक है, इन सभी के बाद में नाउन आता है। इन सभी के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, पॉजिटिव केस दो टाइप के होते हैं, एक जिनके बाद में नाउन आता है, एक जिनके बाद में नाउन नहीं आता। तो इन सभी के बाद में नाउन आएगा, यानी एग्जांपल ले सकते हो माय कार, मेरी कार है, तो माय क्या है, उसके आगे कार नाउन आ गया। ठीक है, माय पॉजिटिव केस, उसके बाद में नाउन आ गया कार। सेकेंड होते हैं जिसमें नाउन नहीं आता। देखिए जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, इट्स, देयर्स, ये क्या है? पॉजिटिव केस है, पर इनके बाद में नाउन नहीं आता। ठीक है, ये बात सभी आप ध्यान रखना। अब देखो किसके बाद में नाउन आता है, किसके बाद में नाउन नहीं आता, ये चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होता है, छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखती रहे। अब देखिए, अगर मैंने लिखा योर्स फ्रेंडली, अब योर्स फ्रेंडली क्यों? क्योंकि योर्स और उसके बाद में फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली, ठीक है, गलत हो जाएगा, योर्स फ्रेंडली। अब अगर योर्स के पोस्ट ऑफिस बाद में है तो भी गलत, योर्स इज फ्रेंडली, ये भी गलत, योर फ्रेंडली। योर फ्रेंडली गलत क्यों है ये बताओ, क्योंकि योर के बाद में क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था, पर फ्रेंडली नाउन नहीं होता, इसीलिए योर्स फ्रेंड। योर्स फ्रेंड गलत क्यों है, क्योंकि योर्स के बाद में नाउन नहीं आएगा, इसमें नाउन दे रखा है, तो ये भी गलत है। पर योर फ्रेंड, योर और उसके बाद में नाउन भी है, योर उसके बाद में नाउन भी है, तो ये सही हो गया। योर्स, योर्स के बाद में नाउन नहीं आएगा, पर ये नाउन नहीं होता, एल वाई लग जाता है तो नाउन नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा, यानी ये दोनों ठीक हैं आपके। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, जब भी ऐसी चीज़ें, ऐसी गलती कई बार आती है क्वेश्चंस के अंदर, सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन पॉजिटिव केस के बाद में आपका नाउन आता है, इनके बाद में नाउन नहीं आता। ठीक है, इनके बाद में नाउन नहीं आता। अब देखिए सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव केस आता है, उसके बाद में क्या आएगा? नाउन। अगर सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस है, उसके बाद में नाउन से पहले सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस नहीं आएंगे, नाउन से पहले आएगा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जो कि नाउन होता है, जिसे हम जिरंड भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव केस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जो कि नाउन की तरह यूज होती है, जिसे हम जिरंड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द बैग इज माई, माइन, माई या माइन क्या आएगा? माई के बाद में तो नाउन आना चाहिए, माइन के बाद में नाउन की जरूरत नहीं है, इसलिए माइन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइन आ जाएगा, माई नहीं होगा। हर्स ड्रेस इज एलिगेंट, देखिए हर्स नहीं होगा, हर ड्रेस आएगा। ठीक है, हर्स के बाद में नाउन नहीं आता, अगर नाउन आ रखा है तो क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। ठीक है, ही वॉन्टेड मी बुक्स, ही वॉन्टेड मी बुक्स थोड़ी होगा, माई बुक्स होगा, मी बुक्स तो कुछ नहीं होता। सी एप्रिसिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब, सी एप्रिसिएटेड मी, उसने मुझे अप्रिसिएट नहीं किया, मेरे क्लब ज्वाइन करने को अप्रिसिएट किया है, इसीलिए माई आएगा। ठीक है, इसीलिए माई आएगा। डमी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, डमी सब्जेक्ट अभी समझ आएगा आपको कि डमी सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए डमी सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट इट से स्टार्ट होता है, उसके बाद में क्या आता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस, दो चीज़ें होंगी, इट से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्टिव केस। जैसे इट, टू मेंटेन, कहाँ कहाँ यूज होता है इट? मेंटेन, टू मेंशन, सॉरी मेंटेन नहीं, मेंशन, टू मेंशन डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, सेशन और वेदर। ठीक है,
एग्जाम्पल इट इज़ ट्यूजडे, इट इज़ ट्यूजडे, ठीक है, ये हो गया डमी सब्जेक्ट। ओके आगे का, टू मेंशन ऑब्जेक्ट और एनिमल, कई बार ऑब्जेक्ट और एनिमल को मेंशन करने के लिए भी इट का यूज़ होता है। इट इज़ माय कार, इट इज़ माय कार, इट किसके लिए यूज़ हुआ है, कार के लिए, ठीक है। अब देखो उसके आगे, कई बार बेबी ऑफस्प्रिंग्स यंग वंस के लिए भी इट यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज़ आई, मी तो होगा नहीं, अब बताता हूँ क्यों नहीं होगा। हु स्पोक क्लियरली, अब देखिए मैंने अभी अभी बताया कि उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आफ्टर दैट क्या आएगा, सब्जेक्ट केस। क्यों? क्योंकि ये जो इट है ये सब्जेक्टिव केस के लिए ही यूज़ हुआ है, उसके बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ये बात याद रखना। पर अब देखिए, इट इज़ मी, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए मी की जगह पे आई आएगा। इट इज़ आई हु स्पोक क्लियरली, हु स्पोक क्लियरली। इट वॉज देम, इट वर देम की जगह पे इट के साथ में वॉज आएगा, ठीक है, और वॉज के बाद में देम की जगह पे दे आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो इट वॉज दे हु अरेंज्ड क्वेश्चंस। इट इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल सब्जेक्ट, जो इट होता है वो इंट्रोड्यूस करता है किसको, ओरिजिनल सब्जेक्ट को। इट हमेशा क्या करता है, इट इंट्रोड्यूस भी करता है किसको, ओरिजिनल सब्जेक्ट को इट इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो इंट्रोड्यूस कर रखा है ना, इट इज़ आई, कौन था वो, आई मैं था, ठीक है, उस पर क्लियरली, ठीक है। अब देखिए उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट्स पर्सनल प्रोनाउन, एग्रीमेंट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए एग्रीमेंट क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है सोशल बिहेवियर, क्या होता है, सोशल बिहेवियर। अब सोचेंगे कि सोशल बिहेवियर में क्या होता है, एक्चुअली इंग्लिश में क्या होता है, सोशल बिहेवियर में गुड एक्ट और बैड एक्ट दो तरह के एक्ट होते हैं। अब जो भी गुड एक्ट होगा उसमें ड्यूटी आ जाएगा, पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन को लगाएंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन को यूज़ करेंगे, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को। यानी सामने वाला जब भी अच्छे काम के बारे में बात हो रही है, अच्छी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो सामने वाला सेकंड पर्सन सबसे पहले नंबर पे आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये बात आप याद रखना, 2-3-1, ठीक है, सबसे पहले सेकंड वाला पर्सन, फिर थर्ड वाला पर्सन, फिर लास्ट में हम, ठीक है। पर जब अगर बैड एक्ट की बात हो रही होगी, किसी ब्लेम की बात हो रही होगी, नेगेटिव सेंस की बात हो रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी खुद को रखेंगे, स्पीकर को रखेंगे, सेकंड पर्सन फिर उसके बाद में, और थर्ड पर्सन फिर उसके भी बाद में, सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन। तो जब भी बैड एक्ट के बारे में बात हो रही होगी तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब भी गुड एक्ट के बारे में बात हो रही होगी तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक बार ही देखो, इसे रिवाइज करो, उसके बाद में आगे करते। देखिए आगे तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहला तो स्पीकर, कौन होता है स्पीकर, स्पीकर में आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ठीक है, कोई और नाम भी हो सकता है, लिसनर, लिसनर हो सकता है कोई भी ना हो, हो सकता है लिसनर यू हो, ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तीसरा होता है नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव में कोई भी ना हो, यू भी ना हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, ही सी इट दे। देखो दो चीज़ें मिल गई, क्या, पहली चीज़ तो अवर में, अवर का आई होता है स्पीकर और वी, ठीक है, ये चीज़ अवर के लिए, इन चीज़ों के लिए अवर यूज़ होगा, किस किस के लिए, आई के लिए और वी के लिए, स्पीकर के लिए अवर यूज़ होगा। उसके बाद में लिसनर के लिए अवर या आई में से कोई यूज़ नहीं होता, यू यूज़ होता है, और उसी को हम यूअर भी यूज़ करते हैं, यूअर का जो वर्ड है यू, वो लिसनर के लिए यूज़ होगा, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे जो भी हैं उनके लिए देयर यूज़ होगा, उनका प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए, प्लूरल हैं सारे, इन प्लूरल के लिए देयर यूज़ होगा, ठीक है। यानी आई बी के लिए प्लूरल के लिए अवर यूज़ होगा, यू के लिए यूअर यूज़ होगा, और दे के लिए, दे ही सी इट के लिए देयर यूज़ होगा, ठीक है। अभी देखिए, यू आज हिमानी वर आस्ट फॉर हिज हर योर बुक्स, अब बताइए देखिए क्या होगा,
सबसे पहले ये देखना है, अगर यू है तो यू आर यूज होगा, ये बात तो कन्फर्म हो गई, यू है तो यू आर यूज होगा, ठीक है, यू है तो यू आर यूज होगा, इज और हर यूज नहीं होंगे, इज और हर यूज नहीं होंगे, आई वी है तो आवर यूज होगा, यू है तो यूअर यूज होगा, और ये तीन है तो सारे देर यूज होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रवि एंड यू, आई रवि एंड यू कैन बी ब्लेम्ड, ब्लेम्ड आ गया तो नेगेटिव सेंस आ गई, नेगेटिव सेंस आ गई तो हमें ऑर्डर पता है क्या आना चाहिए, 1 2 3, यानी 1 2 3 में यू पहले आ जाएगा और रवि बाद में चला जाएगा। आई यू एंड रवि कैन बी ब्लेम्ड फॉर, योर तो नहीं आएगा, हिज भी नहीं आएगा, देर भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आई आ गया तो अवर आएगा, आई आ गया तो क्या आएगा, ओवर, आई आ गया तो अवर आएगा, आई यू एंड रवि कैन बी ब्लेम्ड फॉर अवर मिसकंडक्ट, ठीक है, वैसे बनेगा, वेरी गुड। चलो अब आगे देखो, इस एग्जाम्पल को करते हैं, एग्जाम्पल आयुषी राज एंड यू, आयुषी राज एंड यू कैन डू हिज हर देयर योर वर्क, अगर यू है तो योर आएगा, ये बात तो कन्फर्म हो गई। अब इसमें देखिए कैन डू आवर वर्क, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है वो सबसे आगे आ जाएगा, यानी जब भी ये अच्छी चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी सेकंड पर्सन यू आ गया, यू के बाद में राज और आयुषी, आयुषी और राज में से कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है, मेल को अक्सर पहले लिखते हैं हम, फीमेल को बाद में लिख देते हैं, ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि हम इनमें डिफरेंस कर रहे हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं पर ज़्यादातर मेल लिखा मिलता है, ठीक है, तो योर आ जाएगा, यू की बजाय योर आ गया, क्योंकि यू था, आई होता तो क्या आता, अवर आता ही, ठीक है, आई और वी होता तो अवर आ जाता, पर यहाँ पे यू आया तो यूअर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, द डॉक्टर स्टॉप्ड मी, यू एंड हिम टू एंटर द आईसीयू, डॉक्टर सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर स्टॉप्ड वर्ब हो गई, अब उसके बाद में ये तीन चीजें हैं, मी स्टॉप्ड क्या है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हिम आ जाएगा ही की जगह पे, टू एंटर द आई सी यू, ठीक है, टू एंटर द आई सी यू, ठीक है, और इसमें भी ये नहीं पता हमें ये गलत तरीके से रोका है या फिर किस सही तरीके से रोका है, तो दोनों तरह से यूज हो सकता है, आई यू और हिम के तौर पे भी, और यू हिम और मी के तौर पे भी, दोनों तरह ही ठीक है। अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो ऐसे ज़्यादा करेंगे, यू फिर हिम फिर मी, यानी पॉजिटिव चीज़ें लेके चलेंगे, तो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये ऐसे लगाएंगे, ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज़ें यूज़ हो रही है। उसके बाद में जो आपका प्रोनाउन होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, देखिए डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में टू पॉइंट आउट, सिर्फ हम पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट मतलब, पॉइंट आउट अभी पता चल जाएगा, अब ये लिख दिया हमने दिस, दिस अगर हम दिस की बात करें कि दिस को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, दिस, अब दिस में, दिस जो यूज होता है एक तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, दिस सॉन्ग, और वो चीज़ नियर भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नियर, यानी सिंगुलर के लिए यूज होगा और नियर जो भी पास की चीज़ें हैं उनके लिए यूज होगा, दिस जो वर्ड है हमारा वो किस किस चीज़ के लिए यूज होगा, सिंग के लिए, गाने के लिए, मतलब सॉरी सिंगुलर के लिए, सिंगुलर, ठीक है, ये पूरा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए और नियर के लिए, यानी जो पास में चीज़ है उनके लिए, दैट जो यूज होगा वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, पर दो दूर हैं चीजें उनके लिए यूज होगा, फार के लिए यूज होगा, दिस सिंगुलर भी होगा और नियर भी, उसके लिए दिस यूज करेंगे, दैट जो कि सिंगुलर है पर दूर है, ठीक है, फार है, दिस जो कि प्लूरल है पर पास है, नियर है, प्लूरल है पर नियर है, और दोज
जो प्लूरल तो है पर फार है, दोज जो प्लूरल तो है पर दूर है, ठीक है। ये सारे आपके डोमेस्टिटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। अब ये रहा व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, इट यूज नहीं होगा। दिस व्हाट इज दिस, दिस भी यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा, व्हाट इज दैट, हु इज दैट, सॉरी व्हाट लिखा हुआ था, व्हाट की जगह पे हु इज दैट, हु इज दैट। देखिए नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड अगर एंड कनेक्टेड है तो जो हमारा पास वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा ना, वो पास वाले से रिलेट करेगा, पास वाले से रिलेट करेगा, पास वाला पास वाले को रिलेक्ट करेगा, रिलेट करेगा, और दूर वाले को, यानी जो बाद में प्रोनाउन आया है वो पहले वाले नाउन को रिलेट करेगा, और जो बाद में आया है नाउन उसको पहले वाला प्रोनाउन। अब देखिए कैसे, दो प्रोनाउन होंगे, दो नाउन दे रखे हैं और दो प्रोनाउन, हमेशा ध्यान रखना जो प्रोनाउन होगा ना सबसे पहले वो पास वाले को रिलेट करेगा, मतलब ये जो दिस आया है ये इस नाउन के लिए आया है, और ये जो बाद वाला दैट है ये इस वाले के लिए आया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं और समझने में भी दिक्कत हो जाती है। अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, तो ये रहा आप सभी के पास एग्जांपल, रिया हैज़ ए स्कूटर, रिया हैज़ ए स्कूटर एंड ए बाइक, आई टेक दिस। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ही तो आपको देखना है कि आपने क्या लिया। देखिए रिया के पास एक तो स्कूटर हो गया, एक बाइक हो गई, आई टेक दिस। अब ये जो दिस आया है ना, ये पहले वाले को क्या करेगा, मतलब जो इसके पास में नाउन है उसको रिलेट करेगा। आई टेक दिस यानी आई टेक बाइक, उसने बाइक लिया क्योंकि बाद में बाइक आया था। एंड यू टेक दैट, यू टेक दैट, दैट का मतलब ये बाद जो इससे दूर वाला है उसको यानी स्कूटर को रिलेट करेगा, ठीक है। तो दिस पास वाले को और दैट दूर वाले को रिलेट करेगा, ये बात ध्यान रखना। रिया हैज ए स्कूटर एंड ए बाइक, आई टेक दिस, दिस का मतलब बाइक, एंड यू टेक दैट यानी स्कूटर। एग्जाम्पल करते हैं, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, कनेक्टेड है। वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट। अब देखिए इरेडिकेट किसको करोगे, पॉपुलेशन को तो इरेडिकेट नहीं कर सकते, हमें पता है जो इरेडिकेट है ना, टू इरेडिकेट दिस, दिस यूज हुआ है तो पॉपुलेशन के लिए यूज हुआ है। अब ये बताओ क्या पॉपुलेशन को इरेडिकेट कर सकते हो, इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना, पॉपुलेशन खत्म तो नहीं करनी, कंट्रोल करनी है, क्या करनी है, कंट्रोल। और जो आपकी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसे कंट्रोल की बजाय खत्म करना है, इसका मतलब पॉपुलेशन और पॉवर्टी इंटरचेंज करने पड़ेंगे, पॉपुलेशन और पॉवर्टी इंटरचेंज करने पड़ेंगे, ताकि अगर यहाँ पे पॉवर्टी आ गया तो पॉवर्टी आते ही दिस इरेडिकेट दिस यानी इरेडिकेट पॉवर्टी एंड कंट्रोल दैट, दैट का मतलब स्टार्टिंग वाला यानी पॉपुलेशन, ठीक है। इन दोनों का एक्सचेंज करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं, गिव एंड टेक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन गिव एंड टेक। देख जैसे ईच अदर टू एट ए टाइम, ईच अदर कब यूज होता है, जब एक बार में दो के लिए बात कर रहे हो। वन अनदर कब यूज होता है, जब हम दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हों एक ही समय पे। अगर हम दो के बारे में बात कर रहे हैं तो ईच अदर, और अगर हम दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो वन अनदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही टाइम पे, एट ए टाइम, एक ही टाइम पे अगर दो के बारे में बात कर रहे हैं तो ईच अदर, अगर एक ही टाइम पे दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो वन अनदर। एग्जाम्पल देखते हैं, राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर। अगर ईच अदर है तो सही है, क्योंकि राधा और प्रिया दो ही पर्सन है और दो ही पर्सन बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। द फोर सिस्टर्स क्वेरल्ड विद वन अनदर, यानी चारों सिस्टर्स
एक दूसरे के साथ में लड़ रही हैं, ये भी ठीक है क्योंकि चारों सिस्टर एक दूसरे के साथ में लड़ रही हैं, तो दो से ज़्यादा हो गई जो लड़ रही हैं और एक साथ लड़ सकती हैं, तो वन अनदर, ठीक है। दे शुक हैंड्स विद ईच अदर, दे यूज हुआ है तो मतलब बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा है। शुक हैंड्स, वो हाथ मिला रहे हैं विद ईच अदर। अब ये सोचो कि ईच अदर क्यों यूज हुआ, जब कोई भी दो बंदे हाथ मिलाएंगे तो सिर्फ एक ही टाइम में दो ही तो बंदे होंगे, दो ही तो बंदे हाथ मिला रहे होंगे एक ही टाइम में, इसीलिए ईच अदर यूज हुआ, टू एट ए टाइम, यानी एक टाइम में दो ही बंदे हाथ मिला रहे होंगे, तो क्या आ गया, ईच अदर आ गया, ठीक है। ये रहा फाइनाइट प्रोनाउन, नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट प्रोनाउन, इनफाइनाइट प्रोनाउन। इनफाइनाइट प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारों में से एक पर्सन, इनफाइनाइट में से एक, इनफाइनाइट मतलब पता नहीं कितने, उनमें से एक पर्सन, ठीक है। अब देखिए, एवरी सम एनी नो, अगर ये चार वर्ड एवरी सम एनी नो ये जब भी लगते हैं बॉडी या थिंग के साथ में तो क्या बन जाता है, एवरीबॉडी यानी हर एक, समबडी यानी कोई भी एक, एनी बडी कोई भी एक, नो बडी कोई भी नहीं, है ना, और ऐसे ही वन के साथ में भी हो जाएगा, एवरी वन, नो वन, सम वन, एनी वन। अब देखिए जब भी बॉडी और वन के साथ में लगेगा तो एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि वर्ब तो क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, कौन सी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही, हिज और हिम कुछ भी आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, ही हिज हिम, पर ध्यान रखनी है ही हिज और हिम ही आएगा, दे नहीं आएगा, ध्यान रखना है कि दे नहीं आएगा, यानी सिंगुलर प्रोनाउन आएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर वो थिंग के साथ में लग गया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके साथ में इट आएगा, इट्स आएगा, इट आएगा, क्या आएगा, इट, इट्स इट, यानी यहाँ पे भी इट ही आएगा, इट इट्स इट ही आएगा। तो देखिए थिंग्स में ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब देखिए एवरीबॉडी इज ट्रीटेड वेल, एवरी बॉडी, अगर हम एवरी और बॉडी को अलग अलग लिख देंगे तो यहाँ पे बॉडी का मतलब डेड बॉडी हो जाए, अगर हम एवरी और बॉडी को अलग अलग लिख देंगे तो एवरी प्रत्येक बॉडी का मतलब डेड बॉडी की तरह काम करेगा, इज ट्रीटेड वेल, मरे हुए लोगों को अच्छी तरह थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्या आएगा, एवरीबॉडी एक साथ, हर एक, ठीक है, एवरीबॉडी एक साथ लिखेंगे यानी हर एक, इसका मतलब होगा हर एक इज ट्रीटेड वेल, हर कोई क्या अच्छी तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है, इज आएगा क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ट्रीटेड वेल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, समवन हैज क्लोज, समवन यूज हुआ है उसके बाद में हैज क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, लॉस्ट ये क्लोज्ड नहीं है, लॉस्ट है क्या, समवन हैज लॉस्ट, इट्स इट्स तो नहीं आएगा क्योंकि समवन आया है, वन आया है तो हिज आएगा, क्या आएगा, हिज, समवन हर भी नहीं आएगा क्योंकि हिज लेते हैं हम, समवन हैज लॉस्ट हिज आई कार्ड, समवन हैज लॉस्ट इट हिज आई कार्ड, ठीक है, समवन हैज लॉस्ट हिज आई कार्ड। एवरीथिंग, एवरीथिंग है तो अब की बार थिंग है तो हैज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स, अब की बार हिज की जगह पे इट्स आएगा, वर्थ, एवरीथिंग हैज इट्स वर्थ, हर एक चीज की अपनी वर्थ होती है, वैल्यू होती है, ठीक है, समझ आया ये वाला। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑल की, दो चीजों के साथ में लग सकता है ऑल, ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में लगेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में ऑल लगेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर जब अनकाउंटेबल के साथ में लगेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ऑल तो प्लूरल लग रहा है, अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैसे आ सकती है, आपने एक बहुत ही मशहूर डायलॉग सुना होगा, All is well, 3D याद होगी सभी को, All is well, है ना,
ऑल इज वेल, इसमें जो ऑल है ये किसके साथ में यूज हो, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी इज आई है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। देखिए अब ऑल हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑल के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किससे रिलेट करेगा, ऑल की वजह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की वजह से हेल्पिंग वर्ब आएगी, जिसका ये एग्जांपल था ये। ठीक है, ध्यान है कुछ, ऑल के साथ में सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि यहाँ पे आया था। ऑल किसके लिए आया, वेल के लिए, और वेल की वजह से इज आया। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यानी ऑल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्थ को। ऑल इज वेल यानी सब बढ़िया है, ऑल इज वेल का मतलब हेल्थ अच्छी है, ठीक है, सब बढ़िया है। अब देखिए उसके बाद ये वाला, ऑल आर वेल, सारे के सारे यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है कि सब के सब मेंबर्स अच्छे हैं। ऑल आर वेल का मतलब सारे के सारे, आर माने हैं अच्छे, ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, होल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये हमारा क्या है, एडियम है। ठीक है, यहाँ पे होल इज वेल दैट एंड्स वेल, वर्क यानी काम के बारे में बात हो रही है कि काम सब अच्छा है जब काम का अंत अच्छा है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे भी, इसीलिए इज आया है आपके लिए, इज आया है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी सब काम अच्छा है जब लास्ट में काम लास्ट में सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑल मनी इज रुपीज आर, ऑल के साथ में अगर मनी आया है तो इज यूज करेंगे, रुपीज आया है तो आर यूज करेंगे। बात समझ आ गई, मनी आया है तो इज, रुपीज आया है तो आर, ऑल रुपीज आर स्पेंड लेसिवली, ऑल मनी इज स्पेंड लेसिवली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल गेस्ट्स, ऑल के बाद में देखो, ऑल वर थैंक्ड फॉर द गिफ्ट, ऑल वर थैंक फॉर द गिफ्ट्स, ऑल वर थैंक्ड, अब बताओ गिफ्ट्स तो क्या आना चाहिए इसमें, ऑल वर थैंक्ड, सभी ने क्या किया, धन्यवाद किया फॉर द गिफ्ट्स, तो इसमें सभी ने धन्यवाद किया तो ऑल वर, यानी ऑल वर का मतलब क्या है, गेस्ट्स, कि सभी के सभी गेस्ट ने धन्यवाद किया किसके लिए, गिफ्ट्स के लिए। ठीक है, सभी के सभी गेस्ट ने धन्यवाद किया गिफ्ट्स के लिए। वॉन्ट इज आर 10 रुपीज, ऑल राखी यानी सारी की सारी जो राखी थी, अब देखो इसमें 10 रुपीज आ गया, क्या आ गया, 10 रुपीज, 10 रुपीज, अब 10 रुपीज के अकॉर्डिंग ऑल राखी वॉन्ट्स इज 10 रुपीज। सारी की सारी जो राखी है ना वो 10 10 रुपए की थी। ठीक है, सारी राखी मतलब एक राखी कितने की थी, 10 रुपए की थी, एक राखी कितने की थी, 10 रुपए की थी, ऐसे ही सारी राखियां 10 10 रुपए की थी। ऑल सी शो वोज वर 10 बॉयज, अब देखो 10 रुपीज की एक राखी थी तो इज आ गया, अगर ऑल सभी को सी शो सभी को उसने देखा, जिसको भी उसने देखा 10 बॉयज थे, तो यहाँ पे क्या गया वर, क्योंकि 10 बॉयज क्या प्लूरल हो गए, यहाँ पे ये प्लूरल नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऑल सी शो वर 10 बॉयज, जो भी देखे थे वो 10 बॉयज थे। ठीक है, तो यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही करते हैं। तो आप सभी को जो भी याद होगा कि आप अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या क्या
प्रॉब्लम है आपको आ रही है, किस किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए। और ऐसे ही हम प्रोनाउन की लास्ट, अभी ये 10th पेज हम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक या दो वीडियो के अंदर और ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से दो वीडियो बनेंगी लास्ट तक, दो वीडियो और आएंगी उसमें ख़त्म कर देंगे हम। फिर प्रोनाउन के बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप सभी के, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट कर देना, और इस चैनल को शेयर कर देना। तो नॉर्मल सी बातें आप समझते हो, ये सभी तो आप कर ही दोगे, है ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।